पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उन दृढ़ भक्तों को, अपनी अच्छी आत्माओं को, प्यारी आत्माओं को आकर के अपने विषय में अर्थात सत्य पुरुष की जान के विषय में, पूर्ण परमात्मा के विषय में और पूरे अध्यात्म ज्ञान के विषय में यथार्थ जानकारी दी। उन महापुरुषों को परमात्मा सतलोक लेकर गए, अपनी यथार्थता से परिचित करवाया, फिर उनकी आत्मा को वापस उन्हीं के शरीर में छोड़ दिया। उसके उपरांत उन महापुरुषों से एक वचन ले लिया था कबीर देव ने कि अभी इस ज्ञान को, यथार्थ नाम को और इस मूल ज्ञान को जनसाधारण तक अभी नहीं देना। क्यों नहीं देना? कि ये नकली गुरु, नकली संत, नकली महर्षि इस ज्ञान से परिचित होकर के इस ज्ञान का ढंडोरा पीटना शुरू कर देंगे और इनके पास नाम नहीं होगा। जो वास्तविक मंत्र है, यदि उसका भी इनको पता चल गया तो ये नाम भी वही देने लग जाएंगे। तो इनके द्वारा दिए गए उन मंत्रों का लाभ प्राणी को नहीं होगा, क्योंकि ये अधिकारी नहीं है और अधिकारी के बिना वो मंत्र काम करे को नहीं। तो उन पुण्यात्माओं में से कौन कौन हैं जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय नानक दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, इतने महापुरुषों के बारे में अतिश दास को जानकारी है जिनको परमात्मा मिले और उनको यहाँ से उनकी आत्मा को लेकर के सतलोक गए, सचखंड गए और वहाँ यहाँ के पूरे ब्रह्मंडों का पूरी व्यवस्था जानकारी से परिचित कराया और फिर सतलोक लेकर गए जहाँ परमात्मा विराजमान थे और वहाँ से चल कर आए थे। उनमें से एक महापुरुष के विषय में आपको जानकारी देते हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक किसी भी संत के विचार देख लो, किसी भी ऋषि महर्षि के अपना अनुभव की पुस्तक देख लो, सभी ने यही कहा है कि परमात्मा, परमेश्वर वो तो निराकार है। और ऐसे ही ये सतलोक का ठेका ले रहे हैं राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ, ये सच्चा सौदा सरसा वाले, जगमाल वाली वाले और ये ठाकुर जी महाराज वाले, ये जय गुरुदेव वाले, ये सारे एक कुआ का पानी है। इनमें सब एक ही ज्ञान है, वो एक घिसे पेटे नाम, वो एक घिसे पेटी दंत कथाएं। तो ये सभी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और सतलोक में सतपुरुष का केवल प्रकाश ही प्रकाश है और आत्मा सतलोक में, सतपुरुष निराकार सतपुरुष में
ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अपुण्यात्मा ठीक है, श्रद्धालु लोग बहुत बोले होते हैं, उनमें उनके माइंड में ऑब्जेक्शन नहीं उठता, क्योंकि जो संत बात कहते हैं उनको वो सत्य ही मानते हैं, इसलिए उनके दिमाग में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और जबकि एक बहुत ऑब्जेक्शन की बात है कि एक तरफ तो जैसे एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, ये कबीर जी का शब्द है, कबीर जी की अमृतवाणी का ये एक शब्द है, और उस शब्द को लेकर के इन्होंने सतलोक के ठेकेदार बन गए। एक हल्दी की गांठ लेकर और पंसारी की दुकान की मोर ला दी इन्होंने, और ये उस करने नो दीदार महल में प्यारा है उसको भी ना समझ सके। पुण्यात्मा कहते हैं, सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े किसाना, और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। अब विचार करने की बात है, हिम्मत सी करके मेहनत प्रयत्न करके पुण्यात्मा सतलोक चली गई, और वहां परमात्मा है नहीं, परमेश्वर है नहीं, तो उस समय कहते हैं समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। तैसा पागल कोई नहीं होगा जो समुद्र में डूब के मरे, इतना मूर्ख कोई एकादय हो गया उसमें डूबन मरने के लिए डूबने के लिए जावे नहीं। अब जैसे किसी लड़की का, लड़की के लिए कोई बच्चा लड़का देखा, उसका विवाह की तैयारी की, उस लड़की को ये बताया जाता है कि तेरा पति है, गांव घर में चर्चा चलती है, ऐसा सुंदर लड़का है, ऐसे उसके व्यवसाय है, इतने मकान है, तो उस लड़की के उमंग उठती है कि मेरा पति, मेरा वहाँ मेरा भावी घर ऐसा ऐसा है, तो उसका चाह चढ़ता है वहाँ जाने का। और यदि उसको ये बतावे कि वहाँ घर तो है पर तेरा पति निराकार है, वहाँ कोई है नहीं, तो उस बालक का केचा उठ चढ़ेगा कि टिंडे लेने जाएगी फिर वहाँ वो। अगर सतलोक में भगवान नहीं है और वो प्रकाश से प्रकाश है तो क्या करेंगे उड़े जाकर हम, इसे अनाथ यहाँ पर, इसे अनाथ वहाँ पर। अरे जिसके दर्शन मात्र थे आत्मा गदगद हो। क्या कहते हैं, श्वेत छतर सिर मुकट विराजे देखत ना उस चेहरे नू, जिन्होंने परमात्मा देखा, जिन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने परमात्मा को साकार मनुष्य जैसा बताया। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा का साक्षात्कार किया और बताया कि सतलोक के अंदर परमात्मा वो कबीर देव सत्य पुरुष रूप में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत लंबा चौड़ा, और उसके बीच में डला हुआ एक बहुत सुंदर सिंहासन है परमात्मा का, उस पर विराजमान है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी हरियाणा स्टेट के गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, इसमें एक किसान के घर जन्म हुआ, और वहाँ गरीबदास जी के नानके थे। गरीबदास जी महाराज जी का मूल गांव करौथा था, जहाँ इस दास का आश्रम है। उस करौथा गांव के वो रहने वाले थे, उनके कोई मामा जी नहीं थे, यानी उन गरीबदास जी की माता जी के भाई नहीं थे, जिस कारण से गरीबदास जी के जन्म से पहले ही उनके पिताजी अपने ससुर की जमीन को संभाले हुए थे, वहाँ घर जमाई रूप में रहते थे, तो वहाँ जाकर के गरीबदास जी का जन्म हुआ था। जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, उनके जमीन बहुत थी, उनके नाना जी के लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, पौने 1400 एकड़ जमीन थी, बहुत बड़े किसान थे। उसके नाना जी
बहुत सी गौएं, पहले गायें बहुत रखा करते किसान लोग, क्योंकि वर्षा होती नहीं थी, थोड़ा बहुत सिंचाई का साधन या वर्षा से हो गया या कोई कुओं में रहट वगैरह या कोई तड़सादी से सिंचाई कर लेते थे, बाकी शेष को चरागाह बना देते थे शेष क्षेत्र को, और पशुधन पाला करते थे। तो सैकड़ों की संख्या में गायें थी, उनके पाली और भी किराए वाले भी रखे हुए थे, और साथ में गरीब दास जी 10 वर्ष के बालक भी उन अन्य ग्वालों के साथ गौएं चराने जाया करते थे। गांव छुड़ानी बहादुरगढ़ और झज्जर रोड के ऊपर, बहादुरगढ़ से झज्जर रोड के ऊपर एक दुल्हेड़ा गांव आता है, और दुल्हेड़े से वो 2.5 किलोमीटर की लगभग लिंक रोड जाता है पश्चिम की ओर, और उधर से एक कबलाना गांव है जो उसकी सीमा लगती है, वो दुल्हेड़ा गांव से झज्जर की तरफ 2-3-4 किलोमीटर चलने के बाद ऐसे टेढ़ा आ जाता है, उधर से भी कबलाना गांव की जो सीमा छुड़ानी गांव से मिलती है, तो वो सीमा गांव छुड़ानी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ गरीबदास जी महाराज जी के अपने खेत थे, वहाँ पर गऊ चरा रहे थे। वो परमात्मा जो बनारस में 120 वर्ष तक जुलाहे की भूमिका करके और सह शरीर आए थे बालक रूप धारण करके और सह शरीर गए थे, हजारों की संख्या में गवाह थे जाने वाले जाते समय। सन 1518 में वो परमात्मा सह शरीर सतलोक गए थे, और सन 1727 में यानी 209 वर्ष लगभग उपरांत वही परमात्मा सतलोक से चलकर आए, वो कबीर धानक, वो कबीर जुलाहा, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर। जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों के अंदर, फकीर होते हैं जो एक काला सा ओवरकोट पहनते हैं जिसको चोला बोला है, और सिर के ऊपर भी ऐसा ही एक गोल सा टोप काला ही पहनते हैं, ऐसे बड़े से चोटे का, तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। दाढ़ी बड़ी हुई होती है, दाढ़ी बड़ी होती है। इस वेशभूषा में फाल्गुन सुदी द्वादशी के दिन में लगभग 10 बजे उधर से सभी वो ग्वाले अपनी गायें चरा रहे थे, और दोपहर 10 बजे से उन्होंने सोचा कुछ आहार कर लेते हैं। वो आहार कर रहे थे एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ कर। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर सहसरी अप नीचे आए, अपने वास्तविक शरीर से अन्य एक शरीर और धारण करते हैं, और उसको हल्के तेज पुंज का बनाकर नीचे आते हैं, क्योंकि उनके वास्तविक शरीर को चरम दृष्टि नहीं देख सकती, क्योंकि परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी धीमी है, फीकी है परमेश्वर सतपुरुष कबीर देव जी के एक रोमकूप की रोशनी की तुलना में। तो जिंदा महात्मा के रूप में वहां प्रकट हुए। एकदम जब उन सभी ग्वालों ने देखा, पालियों ने देखा कि बाबा जी आ रहा है, रास्ते के ऊपर वो जंडी थी, छुड़ानी से कबलाना गांव को रास्ता जाता था पगडंडी, तो परमेश्वर ने आकर उनको नमस्कार बोला, राम राम कही, तो सभी ने राम राम कहा, तो उसमें अतिथि सत्कार बहुत होता था, सब ने मिलकर जो, क्योंकि गरीबदास जी 10 वर्ष के, कुछ 40 वर्ष के, कुछ 50 वर्ष के, कुछ 20 वर्ष के,
पाँच दस और भी ग्वाले थे। उन्होंने कहा आओ बाबा जी खाना खाओ। परमात्मा ने कहा भी खाना तो मैं खाकर आया हूँ। उन्होंने कहा जी 10 बजे हैं, इतना जल्दी खाना कहाँ खाकर आए होगे। उन्होंने कहा भी मैं खाना खाकर आया हूँ। आपका गांव कितनी दूर है यहाँ से, क्या नाम है आपके गांव का। परमेश्वर ने कहा मेरा गांव सतलोक है और 16 शंख कोश की दूरी पर यहाँ से है। नेपालियों ने सोचा भी होगा कोई गांव सतलोक भी होगा कि तय पृथ्वी पर और 16 कोश बतावे है। पहले आपस में इतना जानकारी नहीं होती थी जैसे आजकल होगी। पहले तो पैदल जाया करते कभी सूत बैठा करता घर से रिश्तेदारी में जाने का, वो बात ख़त्म हुई। कहने लगे जी खाना तो खाना पड़ेगा अपने, हम अतिथि को बगैर खाना खाए नहीं जाने देते, हमें पाप लगेगा। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि अभी यदि तुमने खाना खिलवाना है, खाना खिलाना है, परमात्मा बोले भी खाना तो मैं खा कर आया हूँ, अब ऐसे बगैर भूखे खाना कैसे खाऊंगा। तो बच्चे कहने लगे वो पाली के दूध तो पीना ही पड़ेगा अपने, दूध पियाए बिना तो हम जान कौन दे। एक विशेष प्यार में बोल रहे थे। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है दूध पी लूँगा, पर दूध पीऊँगा कुंवारी गाय का। अब गरीबदास जी ने वो सभी पाली कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत को ना, मजाक करते हो हमारे साथ, कुंवारी गाय यानी बगैर बच्चा दिए ब्याई हुई बगैर ब्याई दूध देगी कैसे। परमात्मा बोले वह दूध पिलाना तो पिलाओ। तब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए, अपनी एक प्यारी सी उनकी बच्चिया थी 1.5-1.5 वर्ष की, वो कुंवारी थी, उसको पकड़ लिया गले से रस्सा बांध, छोटा सा बांध रखा था पट्टा सा, और कहने लगे महाराज जी देखियो इसका बच्चा भी कोनी या दूध कैसे देगी। परमात्मा बोले ये पात्र जो है ना, क्योंकि वहाँ पाली अपना एक पात्र ले जाते थे दूध का, उसका लस्सी का, तुमने कहा ये पात्र साफ कर लो। वो पात्र साफ कर दिया, खूब अच्छी तरह मांझ धो दिया और कहा कि इस बच्चिया के सतन लेवटी का नीचे रख दो, थना का नीचे कर लो। अब गरीबदास बालक थे ने बोले लो जी लो यो कर दिया, देखो दूध तक को नहीं आया। जब परमात्मा कबीर जी ने उस कुंवारी बच्चिया के कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे थन हो गए सतन और दूध की धार बंद की चारों थनों में से। और जब वो 4-5 किलो 7 किलो का जो पात्र था वो भर गया, अपने आप बंद हो गया और दूध बंद हो गया, लेकिन थन इतने लंबे लंबे थे जैसे ब्याई हुई गाय के होते। वह इन्हों के इन्हों रह गए कि गांव में चर्चा चल लगी कि देखो इन्हों सोचे बालक बका दिए किसी ने। अब गरीबदास जी ने वो दूध परमेश्वर को दे दिया। कबीर साहब जी ने वो आधा दूध पिया और बाद में आधा कहा ले भाई बालको यो प्रसाद ले लो थोड़ा सा। अब वो जो बड़े व्यक्ति थे पाली, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के, वो कहने लगे आम ना पीवा इस पाप के दूध ने, तन चाह कुंवारी गाँ का दूध काट दिया, जादू जंतर का हम नहीं पीवा। वह तो उठ कर चले गए, डरसी गए वह। बाबा जी ने कहा जादू जंतर जाना है, कहते तुम्हारे ना कर दे। कि अब गरीबदास जी कहने लगे लाओ महाराज जी मैंने दो, मुझे दो आपका दूध, आपका अमृत प्रसाद कब कब मिले। गरीबदास जी ने वो दूध पी लिया। अब परमात्मा उनको समझाने लगे बेटा भगवान की भक्ति करने के लिए मानव शरीर मिलता है। तो गरीबदास जी ने कहा जी हम भक्ति करते हैं, हम शिव जी की साधना करते हैं, भगवान विष्णु की भी साधना करते हैं, गांव में बाबा उसकी पूजा करते हैं। तो परमात्मा ने कहा बेटा ये साधनाएं इनकम्प्लीट हैं, ये मोक्षदायक नहीं है। परमेश्वर ने समझा कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा,
और भिक्षकों का दर दर घूमा मिला ना निर्गुंडा से। कहने का भाव यह कि इसी आधार से बहुत कुछ ज्ञान समझाया। अब बालक गरीबदास जी ने कहा प्रभु जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती और वहां से आप आए हो, कैसा है वो देश दाता? परमात्मा ने कहा वो भाई अमर लोक है, सत्य लोक है, वहां ऐसे ही व्यवस्था है, ऐसे ही प्राणी रहते हैं, वहां पर बाग बगीचे हैं, बहुत सुंदर आहार है, सुंदर स्वादिष्ट अमृत जल है, वहां कभी मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता, सदा युवा शरीर रहता है। अपुणात्मा हमें पता नहीं था इस वास्तविकता का कि सचमुच की तो और भी ऐसा ठिकाना जाने के बाद जन्म मृत्यु ना हुआ, तो हमारी रुचि नहीं थी। अरे इतना ठोक कर कम से कम 6 महापुरुषों ने आंखों देख कर आके बताया और स्वयं परमेश्वर ने आकर के बताया, सब वेदों में सत पाया, तो ई हमारा तो चा सा चढ़ रहा है ये परमात्मा कद यहाँ से पीछा छूटा अपने सतलोक में जावा। और एक स्थिति थी आप जी की भी ऐसी ही हो जाएगी, ज्ञान से इतनी प्रेरणा हो जाएगी और परमाणु से आपको 100% ये सिद्ध हो जाएगा कि सचमुच वो लोग ठीक है। तो जब हमें ये जच जाएगा कि वहाँ स्थान है एक ऐसा और उसके जाने की विधि भी ऐसी है, सब संत प्रमाण देंगे, सब ग्रंथ प्रमाण देंगे कि इस साधना से, इस मंत्र के जाप से आपको सतलोक प्राप्ति होगी, यानी अमर आपको मोक्ष प्राप्त होगा, तो फिर हम कति सिर दड़की बाजी ला जाएंगे उसको पाने के लिए, फिर यहाँ के लोग की इच्छा नहीं रहेगी बिल्कुल भी, ये तो बहुत गंदा लोक है। आज हमारे बेटा है, बेटी है, सुविधा है, रोटी बहुत बढ़िया सब व्यवस्था है, और कल मृत्यु हो जा, परिवार के परिवार नष्ट हो जा, पीछे ये मंगोलिया के देश, मंगोलिया देश का पूरा कैबिनेट नष्ट हो गया, 98 आदमी जिसमें राष्ट्रपति भी, कैबिनेट 17 के मंत्री भी, कहाँ तो हवा मुड़ रहे थे, 2 सेकंड में उनकी राख बन गई। ऐसे गंदे लोग में के उपलब्धि के बनना चाहते हैं हम? तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि वहां चलो जहां सर्व सुख है। तो गरीब दास जी के मन में इसी उमंग उठी, पैर पकड़ दिए और परमात्मा आए इस उद्देश्य से थे कि इन प्यारी आत्माओं को मैं अपने गवाह बनाऊंगा, और वो गवाह बनाने थे इस भक्ति युग के लिए। उस समय उनको सत्य से परिचित कराया, सतलोक दिखाया, उन महापुरुषों को फिर वापस भेजा, उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल उस परमेश्वर का, अपनी अमृतवाणियों में लिखा। तो गरीबदास जी वाली आत्मा को परमेश्वर कबीर जी ने शरीर से निकाला और ऊपर ले गए, वहां जैसे विष्णु जी का लोक दिखाया, ब्रह्मा जी का लोक दिखाया, शिव जी का लोक दिखाया, नरक दिखाया, स्वर्ग दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, जहां ये बैठकर न्यायाधीश सबका अकाउंट देता है, करता है। ये काल ज्योत निरंजन ब्रह्म दिखाया जहां बैठा है, ये गुप्त रहता है, अपनी योग माया से छुपा रहता है, ये किसी के सामने नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। ये जहां साकार में बैठा है ज्योत निरंजन, कबीर परमेश्वर ने गरीबदास साहिब जी को दिखाया। उसके बाद परमेश्वर कबीर जी गरीबदास साहिब जी को लेकर के ऊपर सतलोक की तरफ चले। अब जो ही सतलोक में भंवर गुफा पार करके सतलोक में प्रवेश किया, आगे क्या देखा कि बहुत ही तेजो में लोक है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ, उसके ऊपर बहुत बड़ा मंदिर नुमा एक गुम्बज बना, बहुत लंबा चौड़ा सतूप, और उसके बीच में पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष उस सत्यलोक में अपने सिंहासन पर विराजमान है, और उसका ऐसा स्वरूप है एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य मिला दे, करोड़ों चंद्रमा की रोशनी मिली जुली भी उनके प्रकाश, एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी है।
अब उधर गरीब परमात्मा अपने ही दूसरे रूप में जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी के साथ जा रही थी। अब गरीब उस जिंदा महात्मा वाले स्वरूप ने चंवर उठाया और सिंहासन पर विराजमान वो तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर को चंवर किया, चंवर करने लगा। अब गरीबदास जी के मन में ये आई कि भाई परमात्मा तो यू है जो यो बैठा सिंहासन पे, कितना सुंदर शरीर, ओहो हो गदगद हो गए। और ये जो नीचे से महात्मा, ये संत जिंदा बाबा जी आए हैं, ये कोई यहाँ का नौकर है जब इनकी सेवा कर रहा है? इतना सोच ही रहे थे गरीबदास बालक। इतने में वो जो तेजोमय शरीर वाला परमात्मा सिंहासन से खड़ा हुआ और करबद्ध होकर कहा कि ऐसे संकेत किया कि बैठो, अपने सिंहासन को संभालो। नीचे से गए हुए वो जिंदा महात्मा वाला स्वरूप उस सिंहासन पर विराजमान हुआ और वो तेजोमय शरीर वाला प्रभु चंवर करने लगा, सेवा करने लगा। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि भाई बाबा जी भी आंडिये पड़ा है, जब भगवान इसकी सेवा करे तो बड़ा पहुंचा हुआ, बड़ा सिद्धि वाला है, भगवान का बड़ा लाडला। तो इतने में क्या हुआ कि वो तेजोमय शरीर उस जिंदा वाले स्वरूप में समा गया। अकेले वो जिंदा महात्मा जो नीचे से लेकर गए थे गरीबदास जी ने, गरीबदास जी को, वो सिंहासन पर विराजमान है और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। तब गरीबदास जी ने चरण पकड़ दिए, हे भगवान, आप सचमुच आप ही हो, आप सारी सृष्टि के रचनहार हो। और वहाँ जाने के बाद फिर कहा कि देख गरीबदास, वो गंदे लोक ने जहाँ तुम अपना ठिकाना समझ रहा था, ऊपर से देखा ये छोटे छोटे जैसे कंचे हुआ कर ना, इन कंचा तो भी छोटे घूमते दिखे ये लोग सारे। और वहाँ सतलोक देखे, हो भगवान, इतना लंबा चौड़ा, वहाँ सदा बाहर वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष, लदपद पेड़ लगे रहते हैं वहाँ फल, और यहाँ तो अस्थाई स्टेशन है, अस्थाई, ना जाने कब बिजली गिर जाए, कब शरीर छूट जाए यहाँ से, और वहाँ सदा स्थाई, कभी मृत्यु नहीं होती। इस सारे ज्ञान से परिचित होकर के, फिर सृष्टि रचना से परिचित होकर के गरीबदास जी रोने लग गए बैठ कर। बालक कहने लगे, भगवान मुझे वापस ना भेजो, मुझे यहीं रख लो मेरे प्रभु, वहाँ ना भेजो, तो बहुत निकम्मा लोक से है और वहाँ तो मृत्यु होगी, अवश्य होगी, और भगवान यहाँ रख लो मुझे। परमात्मा बोले, भाई ऐसे नहीं रख सकते, आप नीचे जाओ और जो मंत्र मैंने आपको बताया इसका, इसकी साधना करो, और फिर तुझे मैं सतनाम दूंगा, फिर आकर के सार नाम दूंगा, सार शब्द की प्राप्ति करा के बेटा तुझे वापस लाऊंगा। ऐसे लाऊंगा तो मेरा वचन खंड होता है, भंग होता है, और मैं तेरे साथ रहूंगा गरीबदास, तू जा बेटा वापस, और चला जा, नहीं तेरे शरीर को फूकने वाले हैं। अब क्या हुआ कि उधर जब देखा, दो घंटे तीन घंटे हो गए, बारह एक बज गया, वो पाली दूर चले गए। उन पालियों ने देखा कि भाई वो छोरी का छोरा, यानी वो लड़की का लड़का भाणजा कहाँ गया, वो क्योंकि वो दूर चले गए थे, लंबे चौड़ा क्षेत्र था, गऊओं को भी दूर ले गए उधर, कि उसको ल्याओ बुला के, उसका गऊ घेरने का नंबर आ गया। वो पारी ला कर थे अपनी अपनी, दो घंटे तेरी, दो घंटे तेरी, दो घंटे तेरी, गऊ घेरने की। उसको ढूंढने लगे तो कहने लगे, रहो बाबा जी दूर बैठा था, पता तो करो। वहाँ एक वहाँ आया और गरीबदास जी का शरीर ऐसे बैठा आसन पदम पे, मतलब जैसे आराम से बैठ जाते आलती फलती ला के, और शरीर में आत्मा थी नहीं। आवाज़ लगाता हुआ वो पाली ग्वाला आ रहा है, कह रहा गरीबू, गरीबदास जी को गरीबू नाम था, गरीबू का अर्थ गांव में, अरे गरीबू आ जा, तेरा नंबर आ गया गाय घेरण का, गरीबू उठ ले आ जा। निकट आकर देखा, उसको आवाज़ लगाई, नहीं हिला तो पकड़ के हिला, नो बोला रे भगत जी खड़ा हो ले, तू तो साधु बन गया ना बैठ के। अब जो ही पकड़ के हिलाया वो बच्चा गिर गया नीचे,
क्योंकि वो शरीर महात्मा नहीं थी। अब उस व्यक्ति ब्लड को जो आया था उसको बुलाने, उसके तो पैर नीचे की जमीन खिसक गई, शोर मचाया कि लड़की का लड़का मर गया, भाजियो भाजियो भागियो। अब वो सारे पाई पाली भाग गया है, देखा रही तो सचमुच मर गया। दो जने गांव में आए, 1.5 किलोमीटर दूर गांव है। अब छोटा सा गांव था, छुड़ानी 30-40 घर थे उस समय, यानी सन 1727 में, आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व। तो सारे गांव में एकदम करनाटा सरनाटा छा गया, लोग जैसी भी स्थिति में थे सभी उठ उठ कर भाग लिए। देखा सचमुच बच्चा मर चुका है, हाहाकार माच गई, इकलौता पुत्र, और वो भी 12 साल के बाद, बड़ी मुश्किल से 12 वर्ष के बाद हुआ था शादी के। माता पिता दोनों बेहोश हो गए, गांव के लोग वहां से उठा कर लाए, घर लाए। घर से फिर लेकर के जैसे शाम के समय सब कहा भी ले चलो, क्यों देर करो, हो फूकना है तो शरीर अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर जा रखा। उधर से तैयारी कर रहे थे अग्नि लगाने की, उधर से परमात्मा ने कहा जा गरीबदास बेटा, तेरा शरीर नाश करने को जा रहे है और तू गवाही दे मेरी। अब गरीबदास जी की आत्मा वापस भेज दी, शरीर में प्रवेश हुए। प्रवेश होते ही जो बंधन बांध रखे थे ऊपर वो अपने आप खुल गए। जो अर्थी ले जाते हैं, सब को ले जाते हैं, उसको ऊपर बांध लेते हैं थोड़ा रास्ता अंदर का, कहते रास्ते में पड़ना जा, तो अपने आप खुल गए और एक ऐसे कंपन हुई शरीर में और खड़े हो गए गरीबदास जी। अब गरीबदास जी महाराज ने जो ऊपर देखा था उस सारा विवरण लोकोक्तियों के माध्यम से बोलना शुरू कर दिया, दोहों के माध्यम से, और इस लोक के बारे में विशेष जानकारी उनको नहीं रही। ऊपर के ही जो लोक थे उनके बारे में, ऊपर की पूरी व्यवस्था के बारे में जानकारी देने लगे। और ये वाणी बोलते रहे, ये वाणी बोलते रहे, गैबी ख्याल वी साल सतगुरु अचल दिगंबर, थीर है भक्ति हेत काया धर आए, अवगत सहत कबीर है नानक दादू अगम अगादू, तेरी जहाज खेवट सही सुख सागर के हंस आए, भक्ति हिरंबर उर धरी कोटि भानु पर कासे पूरण, रोम रोम की लार है अचल अभंगी है सतसंगी, अवगत का दीदार है दन सत गुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्म मेट ही तेज पूंज अन्य देह धर कर, इस विधि हमको बैठ ही शब्द निवास आकाश वाणी, ये सत गुरु का रूप है चंद सूरज ना पवन ना पानी, न जा छाया धूप है रहता रमता राम साहेब, अवगत अलह अलेख है भूले पंथ वीटंबवादी, वो कुल का खाविंद एक है, रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल बेल है, सुरत नरत को कमल पठाओ जा दीपक बिन तेल है, हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं, हरदम खोज हनोज हाजर
त्रिवेणी के तीर हैं, दस गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। अब ये वाणी बोलते उठ कर चल पड़े और सारा दिन यह वाणी बोले, कोई बात करे उस तभी इस वाणी में समझावे। तो गांव वाला ने सोचा कि लड़की का लड़का मेंटल हो गया। उनको सारी कहानी का पता लग गया था कि एक बाबा जी था, उसने ऐसे कुंवारी गाय का दूध निकाला, वो पाली बता रहे थे, ग्वाले बता रहे थे, और हमने तो पिया नहीं, इस बालक ने पी लिया और जिस कारण से यू मर गया। तो गांव वाला ने सोचा, हे भगवान कोई बात ना, लड़की का इकलौता पुत्र था, ये परमात्मा बड़ी दया करी, आपने जीवित तो कर दिया, कोई बात नहीं, हो तो गया पागल, मेंटल है तो, और कोई हे भगवान ये लड़की अपना टाइम पास कर लेगी, जिसा पांगा पौड़ा बेटा इसके सारे या जीवित रह जाएगी। ये सोचकर सभी ने संतुष्टि पाई। अब लंबा ना करके के थोड़ा सा बताऊंगा। 3 वर्ष के बाद एक गोपाल दास नाम का एक दादूपंथी संत आ गया, जो सन्यासी बन रहा था, घर छोड़ दिया था, बालक बच्चे ब्याह शादी कर दी थी, तो सन्यासी आश्रम में चल रहा था वो, और वो दादू साहेब जी का शिष्य था। दादू साहेब जी की परंपरा में उनका शिष्य था, दादू जी थोड़ा पहले हो लिए थे, जैसे हम कबीर पंथी हैं, कुछ गरीब दास जी के अनुयायी हैं, ऐसे वो दादू साहेब जी के पंथ में से उपदेशी था, और उसको संतों की वाणी का ज्ञान था। वो छुड़ानी गांव में आ गया, जिसके घर वो रुका था आकर के साधु संत, उसने जिक्र कर दिया कि हमारे चौधरी साहब का पोता ऐसे ऐसे किसी संत ने जादू जंतर करके दूध काट दिया कुंवारी गाय का, और उसने छोरे ने पी लिया, लड़के ने, वो मेंटल हो रहा है, और संतों की विद्या को संत काट सके, आप दया कर दो, उस लड़के का कुछ इलाज कर दो। तो गोपाल दास जी ने कहा कि बुला लो, देख लेता हूँ। अब वो गया, वो व्यक्ति जा करके उस शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल गरीबदास जी के नाना जी का, उनसे जिक्र किया, 5-7 व्यक्ति और समझदार से साथ हो लिए और गरीबदास जी को साथ लिया, बालक को 13 वर्ष का बालक था। तो गोपाल दास जी ने गरीबदास बालक से पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था, कौन था वो जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? अब गरीबदास जी कहते हैं, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ये वाणी बोलन लग गए। अब वो 65-60 साल का बुढ़ा और 13 साल के बालक के मुंह का नहीं देखा वो संत ने, बोला गांव वाले हो तुम, इसने पागल कह रहे हो, पागल तो तुम हो भाई, ये तो ऐसी अमृतवाणी बोल रहा है, कलेजे ने पकड़ा मेरे ने, क्योंकि मैं इस वाणी से परिचित हूं। जब ये कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे, यानी मेरा उद्धार किया, अब्राहिम सुल्तान अधम मुसलमान बादशाह था बल्ख बुखारे का, जो ईरान देश में है, इराक में है, उसको पार किया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू नानक साहेब जी को बेई नदी पे, यही जिंदा महात्मा परमेश्वर कबीर जी मिले थे और उनको सचखंड लेकर गए थे, एक दरिया में डूब जाने का बहाना करके सह शरीर सतलोक उनकी आत्मा को सचखंड दिखाया, ऐसे ही प्रक्रिया जैसे गरीबदास जी के साथ हुई थी। उसके बाद तीसरे दिन गुरु नानक साहब आए तो उन्होंने त्याग दी थी वह नकली नौकरी और चल पड़े थे परमेश्वर की खोज में, क्योंकि कबीर परमेश्वर समकालीन थे नानक साहेब जी के, और कहा था जब सतलोक में जाने की लंबी कहानी है, फिर बताएंगे कभी। तो क्या बताया गरीबदास जी ने, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया,
जिसका तू अनुयायी है, अनुयायी है उसको भी कबीर परमात्मा मिले थे। अब दादूपंथी ये मानते हैं कि बूढ़ा बाबा आकर मिले थे, और दादू साहब ने अपने ग्रंथ में लिख रहा क्या है कि हम जिन मुझको निज निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं यो कबीर सृजनहार। तो अपने सदग्रंथों से सभी अनुयायी उनके अनुयायी अपरिचित हैं। तो हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर होया। तो काफी देर बहुत कुछ परमात्मा ने ऊपर के विषय बहुत कुछ वाणी बोली, हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच। तो उस दादू पंथी गोपाल दास जी ने चरण पकड़ दिए छोटे से बालक के, पैरों में माथा टेक दिया और कहने लगा महाराज जी यह वाणी लिखवा दो, इस कलयुग में ना जाने कितने जीव का उद्धार होगा। अब गरीबदास बालक आगे आगे वो 60 साल का महात्मा पाछे पाछे करबद्ध हो गए। अब गांव वाला ने सोचा यू 60 साल का बुढ़ा और पागल हो गया, मारे वाले बावड़िए गए, बावड़ा हो गया, बावड़िया क्या करते परमात्मा को, बावड़ा गरीबदास जी को, इसकी और अक्कल मारी गई। तो तीसरे दिन जाकर के गरीबदास जी ने कहा कि महाराज जी के गोपाल दास, यदि तू सारी मेरा सारा ज्ञान लिखे तो मैं लिखवाऊँ, बीच में छोड़ कर जाता मैं बोलूँ को ना। तो गोपाल दास कहने लगा महाराज जी मैंने तो घर त्याग रखा है और जीवन ही मालिक के नाम पर लगा रखा है, आप आदेश दो। तो गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का, उसमें एक जंडी का पेड़ था बहुत छायादार, उसमें बैठ गए, सुबह बैठ जाए दोनों, गरीबदास जी बोलता था और वो गोपाल दास लिखा करते थे, वो वाणी लिपिबद्ध की गई, वो अमरवाणी आज हमें सत गवाही दे रही है, वो एफिडेविट बना गया गरीबदास जी के, मुझे धानक वो काशी वाला धानक जुलाहा वो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है और वो ही मुझे आकर छुड़ानी में मिला था। उसके विषय में क्या बताते हैं गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, मैं तो दे दी है बालम याने नु, मैं तो दे दी है बालम याने नु, मैं तो दे दी है बालम याने नु, मैं तो दे दी है बालम याने नु। इस मन को आत्मा धिक्कार रही है, ये मन काल का एजेंट है, आत्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा है यानी प्यारा अंश है, और इस काल ने हमें गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, हमारी बिरानवाटी करवाने के लिए इस काल ने मन गेला सेट कर दिया, गाय के साथ में गधा बांध दिया। गाय और गधे का आपस में स्वभाव मिले नहीं, नेचर मिले नहीं, गाय का आहार कुछ है गधे का कुछ है। तो ये मन रूपी गधा यो खावा बकवाद, सांग सिनेमा नाच गाने शराब मांस सुल्फा फुर्र, इस नतीजे चाहिए गुट्टी लानी, और आत्मा को चाहिए परमात्मा की कथा भगवान की चर्चा, इसको बहुत प्यारी लगती है। तो इस मन को यदि कोई कहे चलो सत्संग में नहीं चलता, और कोई ना कोई तो चाल उड़ा सांग देखने चलेंगे, रात में फुद्दड़ फुद्दड़ पैदल जागरते, हमारे पुराने समय की बातें, दिन में धंधा करते खेती का काम करें थे घर के छोटे छोटे काम, और फिर रात में सांग देखने जाते हैं, और भी गए लो नरे अंडते धके खाते, और यहाँ ये मन न कह दे चल सत्संग में चलेंगे, पर वाले अमृत प्रसन्न लाग रहा न, फिर देखोगे टाइम को ना, और कल न टिकट कट जाए फिर टाइम की जागा वो। तो इस मन को कह रहे हैं आत्मा धिक्कार रही है कि मेरे को तो इसके साथ बांध दिया, मत दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, मन मुथरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू, मैं तो दे दी है बालम
याने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तल बाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू, ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम यो फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू, ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी। ज्ञान दराच ध्यान दी तुरिया कोई जाने पाण रिसाने नू, महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू, गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने। इसमें से हमने सिर्फ इतना ही लेना है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यो फिरदा दाने दाने नू, यानी जो तुम साधना करते हो जिस साधना से और जो तुम कहीं कहीं जाकर के एक मनते मांगते हो उनसे तुम्हारी रोजी रोटी भी पूरी ना चलती, और परमात्मा सतपुरुष कबीर जी की शरण में आओ तुम्हारे चारों तरफ से सुख देगा, हर तरह की सुविधा यहाँ भी देगा और सतलोक प्राप्ति कराओगा। क्या बताते हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये फिरदा दाने दाने नू, ये सर्व कला सतगुरु साहिब की हरी आए हरियाणे नू। हरियाणा पहले पंजाब और हरियाणा ज्वाइंट स्टेट थी, 1966 में हरियाणा प्रांत अलग बनया है। पहले हरियाणा कोई नहीं जानता था, केवल पंजाब नाम से ही प्रसिद्ध था यह क्षेत्र, और ये 1966 में हरियाणा प्रांत बना। और परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने 600 वर्ष पहले इसको हरियाणा प्रांत डिक्लेयर कर दिया था, इस क्षेत्र को हरियाणा डिक्लेयर कर दिया था कि सर्व कला सतगुरु साहिब की वो हरि आए हरियाणे नू, वो पूर्ण परमात्मा यहाँ हरियाणे में आए, वो कबीर परमेश्वर यहाँ आए। इस तरह के और बहुत भी अच्छे इसमें ज्ञान दिया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हमने देखो सभी आत्माएं सभी धर्मों की परमात्मा की ही खोज में है, और आज तक ये क्लियर नहीं कर सके वो परमात्मा सह किसा। नानक साहिब जी की वाणी में
नानक साहिब जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे। इनके पूज्य पिताजी का नाम कालू राम मेहता, ये खत्री थे, अरोड़ा अरोड़ा जज उस कौम में थे। तो उसमें इनको एक ब्रजलाल नाम के पांडे पांडस गीता पढ़ाया करता। तो उस आधार से इन्होंने जैसा भी उसको ज्ञान दिया है तो ब्रजलाल पांडे जी से ज्ञान ग्रहण करके, जैसे भी उसको हिंदू समाज के सिद्धांत का पता था कि परमात्मा निराकार है। तो नानक साहेब जी पिछले संस्कारी हंस थे, युग में राजा अम्बरीश थे, और ऐसे महापुरुष थे कि दुर्वासा जैसे ऋषि भी इनके आगे नतमस्तक हुए थे इनकी साधना को देख। लेकिन वो साधना मोक्षदायक नहीं थी। फिर स्वर्ग गए, स्वर्ग से फिर वापस आए, फिर त्रेता युग में राजा जनक यही आत्मा हुई जो सीता जी के मुंह बोले पिताजी थे, और फिर ये स्वर्ग गए, स्वर्ग के बाद फिर वापस अपने पुनः क्षीण करके इस पंजाब प्रांत में, जो अब पाकिस्तान के अंदर वो क्षेत्र, पाकिस्तान तक भी पंजाब था ये सारा। तो वहाँ एक कालू राम मेहता खत्री के अरोड़ा के घर में इनका जन्म हुआ। तो ये अपने बहन जानकी के वहाँ सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ मोदी खाने की नौकरी किया करते थे नानक साहेब जी। बेई नदी पर स्नान करने जाया करते थे, वहाँ परमात्मा मिले थे। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी ने कहा था हरि आए हरियाणे नु। अब हमने तो नानक साहेब जी ने भी यही प्रमाण दिया है, क्योंकि नानक साहेब जी सतलोक में लेकर गए सचखंड में कबीर साहेब यानी सतपुरुष सतपुरुख, तो वहाँ कहा था कि मैं बनारस में गया हुआ हूँ। नानक साहेब जी ने यही कहा था वहाँ जा करके कि हे प्रभु मुझे वापस ना भेजो, यहीं रख लो। तब परमेश्वर ने कहा था जाओ प्यारी आत्मा, तुम्हें तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं है, तुम साधना करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और अभी तुम्हारे से बहुत काम करवाना है आप, क्योंकि मालिक को पता था कि ये सच्चाई नीचे इनको छोड़ूंगा ये सच्चाई का डंडोरा पीटेंगे। वापस जब उनको भेजा तो वहीं से कबीर साहब की तलाश में, उस परमेश्वर की तलाश में कि परमात्मा ने कहा कि मैं दानक रूप में जुलाहे रूप में बनारस के अंदर प्रकट हूँ, वहाँ अपना ज्ञान प्रचार कर रहा हूँ, आप वहाँ आओ, वहाँ तुम्हें सतनाम दूंगा। तो वहाँ से चले थे सतलोक से, वापस आए, आते ही नौकरी त्याग कर और बनारस की पहली उदासी बनारस की तरफ चल पड़े। रस्ते में भी लोगों से चर्चा करते जाते थे कोई इस ज्ञान से परिचित हो, लेकिन कोई नहीं मिला। बनारस में जाकर देखा कि वो एक दानक रूप में बैठे कपड़ा बुने परमात्मा, वही जो जिंदा महात्मा के रूप में आए थे सतलोक में लेकर गए थे। जब नानक साहेब जी वहाँ पहुँचे, परमात्मा कबीर जी जो कपड़ा बुन रहे थे, धानक का काम कर रहे थे, गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर ये वाणी अंकित है। जब वहाँ देखा कि यो वे परमात्मा जो मुझे बेई नदी से सचखंड लेकर गया था, ओए होए, कहा था कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता वर, धानक रूप रहा करतार। लोगो ये धानक, ये बैठा भगवान, यो अब जिसने लाल पाजा, लाल की परख हो, गद गद हो जाता है, उठा लेता है, लुको लेता है, छुपा लेता है, गुण गाता है, मैं तो भाई असली वस्तु मिल गई। लेकिन वहाँ के जुलाहे लोग कहने लगे ये पंजाब से आया हुआ व्यक्ति भी पागल हो गया, इसने भगवान बतावा है इस नीरू के बालक ने। लेकिन वो तो जोरी हो चुके थे, आंखों देख रहे थे, वह क्यूकर मानने उन जुलाहों की बात ने सौ सौ बार कहा कि ए ठगवाड़ा ठगी देश, अरे ये आपको ये पूर्ण परमात्मा है, ये छुपाए बैठा अपने आप को, ये मालिक है। वो परमात्मा ने उनको सतनाम दिया था और कहा था प्यारी आत्मा अभी मेरा भेद ना खोल है, तू अभी जिक्र ना करो, ये प्रचार करो। तो 12 वर्ष तक नानक साहेब जी ने देश विदेश में जाकर सतपुरुष की महिमा का वर्णन किया। फिर परमात्मा मिले, प्रगट हुए, जाकर के कहा प्यारी आत्मा अब तू बैठ आराम ते, ये ना मानने ये तो नालायक हो लिए। तो 16 वर्ष तक अपने घर गांव में जाकर के खेती भी की, साधना भी की और मोक्ष प्राप्त किया नानक साहेब ने।
तो क्या बताते हैं, गरीबदास जी ने फिर वो सच्ची कहानी बताई कि झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह। अब नानक साहब ने जब परमात्मा का झांकी माने नज़ारा सतलोक में कबीर जी को देखा, तब कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु, ओए होए होए होए, यो है गुरु, ये है वो पूर्ण परमात्मा। और सतनाम मिला रोग कटे ना तो जीवन मृत्यु न सदा रहेंगे, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। अब वो तो सतनाम इसलिए कहा था कबीर साहब ने कि इसके वास्तविक ज्ञान नाम को नहीं बताना किसी को, और ना ही किसी को मंत्र देना ही सतनाम का। यदि इसका भी हमने भेद खोल दिया तो ये अब है ये भक्ति का काल आ गया, जो भक्ति समय आ गया, अब ये पिछली पीढ़ी आ गई। धर्मदास जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सतलोक के अंदर, फिर वापस छोड़ा था जब धर्मदास ने चरण पकड़ लिए थे परमात्मा मन वापस ना भेजो, उनको भी यही स्टेटमेंट दी थी परमात्मा ने कि तुम जाओ वापस भक्ति करो, मैं तुम्हारे संग रहूँगा लेकिन मेरे गवाह बनो तुम। तो ये एफिडेविट लिख गए वो परमात्मा की प्यारी आत्मा के, कबीर धानक कांसी वाला ये पूर्ण परमात्मा है।